हेलो गाइस, ये हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। एन म्यूज़िकल में हम बहुत टाइम के बाद आए हैं एक अब नई नई वीडियो लेकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक। तो हमारी तरफ से दिल से सारे पूरे फैमिली को ईद मुबारक, आपकी प्यार सपोर्ट के लिए। तो आप बने रहें हमारी वीडियो में, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना रुके। ये कहानी है एक शायर की, जिसकी शायरी की दुनिया दीवानी थी। अखबारों में रोज उसकी शायरी और उसके चर्चे छपा करते थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि आखिर ये शायर है कौन, उसका नाम क्या है। वो बच्चा तो बच गया, लेकिन उस शायर का चेहरा झुलस गया और वो शायर अपनी शक्ल से नफरत करने लगा और शायरी लिखने लगा। जी बताइए। बेनाम शायर का घर यही है ना? मुझे उनकी शायरी बहुत पसंद है, प्लीज उनसे मुझे मिलवा दो। हम सभी लोग उनके बहुत बड़े फैन हैं। भाई जल्दी बुला दो, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। किसी ने बताया था कि बेनाम शायर का घर यही है? भाई बुला दो, जल्दी बुला दो। रुकिए अभी। शायर साहब, हर बार की तरह आज भी आपके चाहने वालों की दरवाजे पर भीड़ लगी हुई है। हाँ जानता हूँ। तो क्या कह दूँ उन लोगों से? वही जो हर बार कहते हो, कह दो कि यहाँ कोई शायर नहीं रहता। ठीक है शायर साहब। देखिए आपको किसी ने गलत खबर दी है, यहाँ कोई शायर नहीं रहता। सुनो, तुम्हारे लिए एक शेर लिखा है। तुम्हारी अदाओं में कुछ इस तरह खो गए हम, पता ही नहीं चला कि कब तुम्हारे दीवाने हो गए हम। बहुत अच्छा लिखा है आपने। अरे हमें तो ध्यान ही नहीं रहा कि तुम खड़े हो। ठीक है, कल से आ जाना तुम नौकरी पे। बुरा मत मानना, आपका चेहरा जला हुआ है और मेम साहब इतनी खूबसूरत हैं, आपकी शादी कैसे हुई? बात उन दिनों की है जब मेरी शायरी लोगों का दिल जीत रही थी और मैं अपनी इस जली हुई शक्ल के साथ घुट घुट के जिंदगी जी रहा था। दोस्त, आज फिर से तेरी शायरी छपी है अखबार में, ये देख। वही वाह, क्या खूब लिखा है। दुश्मन तो बहुत मिल जाएंगे, पहनते ही ताज सिर का, पहले दोस्त ढूंढ लूं पहनकर लिबास फकीर का। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोग आ जाते हो तो जरा दिल लग जाता है, वरना जब से चेहरा जला है मेरी जिंदगी काली हो गई है। चुप यार, अब भूल जा उस बात को। पूरे इंडिया में तेरे चर्चे हो रहे हैं और सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है। आखिर ये बेनाम शायर है कौन? बस भाई बस, अब तुम हमेशा की तरह कहोगे कि तू सबको अपना नाम क्यों नहीं बताता, और मेरा हमेशा की तरह फिर वही जवाब होगा कि मैं बेनाम शायर ही रहना चाहता हूँ, किसी को अपना नाम और पता नहीं बताना चाहता। आखिर क्यों तू अपना नाम और पता छुपाता है? क्योंकि जितनी खूबसूरत है मेरी शायरी, उतनी ही बदसूरत है मेरी शक्ल। डरता हूँ कि अगर लोग मेरा नाम और पता जान लेंगे तो मुझसे मिलने आएंगे और मेरी ये बदसूरत शक्ल देखकर भाग जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, इंसान की पहचान उसके काम से होती है, उसके चेहरे से नहीं। मैं किसी को अपना नाम नहीं बताने वाला हूँ बस। शायर साहब, आज फिर उस लड़की का लेटर आया है, आज तो उसने खून से लिखा है। मुलाकात दो वरना जान दे दूंगी। ये लड़की पागल हो गई है क्या? मुलाकात दो वरना जान दे दूंगी। पागल नहीं, प्यार करती है तुमसे। अरे चौराहे पे मिलना चाहती है, कई बार बोल चुकी है। यार इसी बात पे तेरी एक शायरी याद आ गई दोस्त। बना लो उसे अपना जो दिल से तुम्हें चाहे, खुदा की कसम कि दिल से चाहने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे लिए मोहब्बत बनी ही नहीं है, शायद अल्लाह ने मेरे लिए किसी को नहीं बनाया। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, लेकिन अगर तू कल नहीं गया तो तेरी वजह से ये लड़की जान दे देगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की मेरी वजह से अपनी जान दे दे। मैं जाऊंगा।
बाजी कोई आ रहा है, लगता है यही शायर साहब हैं। ठीक है तू जा। मैं ही हूँ शायर, तो बताइए क्यों बुलाया है आपने मुझे? क्या बताऊँ, चलिए आपका ही लिखा हुआ एक शेर जो मैंने सुना था उसी से अपने दिल की बात बयां करती हूँ। रब से आपकी खुशियाँ मांगते हैं, दुआओं में आपकी हंसी मांगते हैं, सोचते हैं आपसे क्या मांगे, चलिए आपसे उम्र भर की मोहब्बत मांगते हैं। मोहब्बत और मुझसे, जानती भी हो तुम ये क्या कह रही हो? मुझसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। मोहब्बत करने या ना करने से नहीं होती, ये तो खुदा दिल में पैदा करता है, जैसे मेरे दिल में आपके लिए कर दी है। तो लो देखो इस भयानक सी शक्ल को और बोलो क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? शायर साहब मैं देख नहीं सकती क्योंकि मैं तो अंधी हूँ। और हाँ मैं आपसे अब भी बहुत प्यार करती हूँ। हमेशा याद रखो, जब हम अपने माँ के पेट में महज 6 दिन के होते हैं तभी अल्लाह हमारा जोड़ा बना देता है। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं रहता। और याद रखो, किस्मत की लिखी लकीरों पर मत जाना, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबको ईद मुबारक।